नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में एक बार से फिर से स्वागत है दोस्तों। और आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं iOS 15.6.1 के बारे में, जो कि रिसेंटली Apple ने रिलीज़ किया है। तो गाइस, आज इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे इसके फीचर्स और इसके बग्स के बारे में। तो दोस्तों, आपको सबसे पहला जो फीचर मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि मैं आपको सेटिंग में पहले ही दिखा देना चाहता हूँ कि मेरे फ़ोन में iOS 15.6.1 यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे दिखा रहा है कि iOS 15.6.1 iOS इज अप टू डेट। यहाँ पे आप देख लीजिए, सारा कुछ यहाँ पे है। और जब सबसे पहला फीचर आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको कैमरे से रिलेटेड देखने को मिलता है। सबसे पहले आप यहाँ पे कैमरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे रिकॉर्ड वीडियोस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे एक इन्होंने फीचर ऐड किया है, जो कि है 1080p HD एट 25 FPS पल वाला ऑप्शन। यहाँ पे पल वाला जो फॉर्मेट था वो पहले नहीं था, ठीक है, पहले वाले iOS अपडेट में नहीं था, लेकिन इस वाले अपडेट में इन्होंने ये वाला ऐड किया है। जो पहले था बस यहाँ पे 4K एट 25 FPS पल वाला यहाँ पे फॉर्मेट था, केवल 4K वाला, यहाँ पे 1080 वाला यहाँ पे नहीं था। तो यहाँ पे ये फीचर हो गया। और यहाँ पे एक बग शुद्ध मुझे देखने को मिला है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा मुझे इशू देखने को मिला, जो कैमरे से रिलेटेड है, तो आप देख सकते हैं कैमरे में जैसे ही मैं यहाँ पे फोकस करता हूँ तो एकदम से फोकस कर रहा है, लेकिन बाद में एकदम से बैक नहीं जा पा रहा है, थोड़ा लेट जा रहा है। अब देखिए, एकदम से इसने फोकस कर दिया और उसके बाद में जैसे ही मैं करता हूँ तो यहाँ पे देखिए जो स्क्रीन है फ्रीज हो गई। अब मैं यहाँ से वापस से टैप करूँगा स्क्रीन पर, तब ये फोकस करेगा। तो थोड़ा सा मुझे इशू देखने को मिला। और मैं जो आपको पल वाला ऑप्शन था यहाँ पे भी दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4K 25 FPS पे एक पल वाला ऑप्शन है। और अगर मैं 25 FPS पे यहाँ पे 1080p करता हूँ, HD का मतलब होता है 1080p, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे बेटर तरीके से यहाँ पे दोनों फॉर्मेट में आप वीडियो शूट कर पाएंगे, 4K और HD में, ठीक है। ये बेसिकली जो पल वाला ऑप्शन है, ये फॉर्मेट है, ये बेसिकली जो ये वर्क करता है, ये टीवीज़ वगैरह जो होते हैं उनके लिए होता है फॉर्मेट। जैसे कि हम YouTube के लिए 16:9 का रेशियो चूज़ करते हैं, तो ऐसे ही ये रेशियो जो होता है वो TVs वगैरह के लिए होता है। अगर आप इस चीज़ में वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं ऐसी ऑडियंस को जो कि बेसिकली TV पे डिपेंडेंट है, तो आप ये वाला ऑप्शन करके वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। बेसिकली अच्छा फीचर है, जो कि आपको 1080p और 4K में भी, दोनों में ही यहाँ पे अवेलेबल दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में बस यही, यहाँ तक, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और गाइस, मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे YouTube चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। तो दोस्तों, हेल्प कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप खुश रहिए और आप दूसरों को भी खुश रखिए। थैंक यू, बाय बाय।